Hey guys, in this video we will take up one question of TOC that is related to decidability and undecidability. I'll explain the complete concept with a question. Okay, moving on to this question, what it is saying is, let me first mention the decidability and undecidability diagram. The diagram goes like this. Here we have P. This set is called as NP. This is called as NP complete and this is called as NP hard. This is open. Okay. So now this portion, the whole NP, inclusive of NP, NPC, and P, called as decidable, and this, the concept of NP hard, called as undecidable. Okay, so this diagram you must remember, okay, so that in future this diagram will help you out in many questions, chahe wo NP PK ho, chahe wo decidable undecidable ki ho, theek hai. डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स वो होती हैं जहाँ पे हमने ये डिसाइड कर लिया है वेदर देयर इज अ सॉल्यूशन और देयर इज नॉट अ सॉल्यूशन. ठीक है, वी हैव डिसाइडेड, लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम एक्स, क्या ये सॉल्व हो सकती है, क्या ये सॉल्व नहीं हो सकती, अनसॉल्वेबल है, बोथ आर द कंडीशंस ऑफ डिसाइडेबल. ठीक है, और अगर हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि कोई सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करता है या उसको सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता, हम बीच मझार में है, ठीक है, देन इट इज अनडिसाइडेबल, सिंपल. ठीक है, अगले क्वेश्चन में मैं कुछ डायग्राम भी समझाऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल गो विद दिस डेटा ओनली. ठीक है, अब क्या है, अज्यूमिंग पी इज नॉट इक्वल टू एन पी, ओके, पी इज नॉट इक्वल टू एन पी है, और उसको विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गेट 2012. ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया है, ऑप्शन क्या है, NP कंप्लीट इक्वल टू NP. अगर P और NP में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू NP, तो NP कंप्लीट और NP और NP कंप्लीट बराबर तो हो नहीं सकते, ना इस डायग्राम में बराबर है. ठीक है, तो ये गलत हो गया. आगे, अगर NP कंप्लीट और P जो है फाई है, इस पे इस पॉइंट में मैं आता हूँ, we'll go with point number C. NP hard equal to NP. क्या आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि NP hard NP के बराबर है? नहीं. और इस डायग्राम में P is not equal to NP. So हमारा सॉल्यूशन परफेक्टली बैठ रहा है. ठीक है, तो NP hard भी NP के बराबर नहीं है according to this diagram. Okay. P equal to NP complete. क्या P NP complete के बराबर है? नहीं. Both are different. Both are different sets. ठीक है, तो ये भी गलत है. और P और NPC, NP complete और P का इंटरसेक्शन किया है, P तो यहाँ पे है, ठीक है, NPC मान लीजिए ये वाला सर्कल है भाई. ठीक है, अगर मैं इस सर्कल को ले लेता हूँ, बट आपको ऐसे ज़्यादा समझ आ जाएगा, अगर मैं इस सर्कल को बना लेता हूँ, ठीक है, और P को बना लेता हूँ, तो क्या P और NPC में कुछ कॉमन है? नहीं है. और इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? पाई आ जाएगा, तो कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ट्रू. वाई आई एम सेइंग सो, मैं रिपीट कर देता हूँ कि पी है जो एन पी के बराबर नहीं है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है. ठीक है, और फिर पूछा गया ट्रू क्या है, ट्रू क्या है, ऑप्शन ए क्या है गाइस, ऑप्शन ए एन पी कम्प्लीट इक्वल टू एन पी. क्या एन पी कम्प्लीट एन पी के बराबर है? नहीं, इट्स जस्ट एन पी सी इज जस्ट अ पार्ट और जस्ट अ इंटरसेक्शन ऑफ एन पी हार्ड एंड एन पी, बराबर तो नहीं है ना एन पी कम्प्लीट एन पी के. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता. फिर NP हार्ड है जो, वो NP के बराबर है क्या? NP हार्ड NP के बराबर है? नो, इट इज जस्ट अ टोटल डिफरेंट सेट, पर देयर इज अ इंटरसेक्शन कॉल्ड NPC. बराबर तो नहीं है NP हार्ड NP के, नहीं है. फिर P इक्वल टू NP कंप्लीट है, वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि P इक्वल टू NP नहीं है, पर इन पे NPC पूछा है, NPC. ठीक है, क्या P यहाँ पे NPC के बराबर है? नहीं है. ठीक है, तो इसलिए जब हमने दोनों का इंटरसेक्शन किया, उन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में फाई आ गया रिजल्टेंट, तो दिस इज ट्रू. एनपी कंप्लीट इक्वल टू पी, ओ सॉरी, एनपी कंप्लीट इंटरसेक्शन विद पी इज इक्वल टू फाई. ठीक है,
तो गाइस इस डायग्राम से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। ये डायग्राम अगर आप याद रखेंगे तो यूजुअली आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन गाइस, सो वील मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन ऑल्सो ऑफ डी ओ सी।